जो काम को सोचने के लिए मशवरा है, ये जितने भी साथी है कोशिश करो कि मस्जिद के सारे साथियों को अपने मशवरे में शरीक करो, और उस वक्त में आप शरीक कर सकेंगे जबकि आप मशवरा मुख्तसर करेंगे, और जब ये तरतीब बना लेंगे तो आपका मशवरा मुख्तसर हो जाएगा, इसलिए कि कारगुजारी हो जाएगी थोड़े से वक्त में और आगे के काम का मशवरा हो जाएगा, उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तो सारे साथी बैठेंगे, यहां तक के सारे नमाजी भी मशवरे में आपके साथ चली गए, मस्जिद वाले जमात के साथी सारे मुसल्ली, अपनी कोई ग्रुप नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, तबलीगी जमात को ग्रुप मत बनाओ, पार्टी मत बनाओ, ये पूरी उम्मत का काम है, पूरी उम्मत मिलजुल कर काम करनी चाहिए, और कोई लग रहा है हम उसका एहसान मानेंगे, नहीं लगेगा हम उसकी खुशामद करेंगे, बस हमारा काम है। कोशिश ये करें कि सारे साथी सारे तकाजों पर इस्तेमाल होना चाहिए,
काम दो चार आदमियों के हाथ में नहीं होना चाहिए, काम एक मजमे के हाथ में होना चाहिए। इसलिए कि काम में दो चार आदमी के हाथ में ही, और दो चार आदमी मर गए या बीमार हो गए या सफर में चले गए तो काम खत्म हो जाए। इसलिए काम एक मजमे के हाथ में होना चाहिए, मस्जिद की सतह से भी, हल्के की सतह से भी, शहर की सतह से भी, और मुल्क की सतह से भी, और आलम की सतह से भी एक मुअत्तद ही मजमे के हाथ में काम होना चाहिए और समझदारी के साथ होना चाहिए। देखा देखी नहीं कि समझ कर वो हमला काम कर रहा है। इसके लिए सारे साथियों को इस्तेमाल करेंगे तो सारे साथी काम के बनेंगे। आप ये मत समझो कि मुझे ही आता है काम, इसको नहीं आता। सारों में अल्लाह ने सलाहियत रखी है और आलमी सलाहियत पूरी उम्मत में रखी है, इसलिए आलम की जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है। अगर सलाहियत नहीं होती तो अल्लाह आलम की जिम्मेदारी नहीं देती। सलाहियत है इसलिए आलमी जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है। सलाहियतें उजागर कब होगी? जब इनको इस्तेमाल करेंगे तो सलाहियतें उजागर। अगर आप किसी की इजाजत के लिए गए, कुछ ले सकते हैं, आपकी इस्तेदाद है, तो कुछ फ्रूट लेकर के चले। हॉस्पिटल में कोई मुसलमान बीमार है, हॉस्पिटल में जमात बना करके मुलाकातें करो और उनको कुछ हो सकता है तो अपने साथ लेकर के जाओ। चाहे तबलीग में लगाओ ना लगाओ, हर मुसलमान की इबादत करना जब करोगे तो वही आप उनको काम में लगने का जरिया बनोगे। इसमें मेरे दोस्तों हर मुसलमान को अपना समझो, पराया कोई भी नहीं। इन नबल मुमिनून के हुआ, ये अल्लाह का फैसला है कि सारे ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं, किसी को पराया समझो ही नहीं। सारे हमारे और हम सबके, पूरी उम्मत हमारी और हम पूरी उम्मत के, पूरी उम्मत को सामने रहते हमको काम है। तो ये वक्ती तकाजे मैंने आपको बताए, बीमार की इयादत है, मैयत है तो उसकी तासीयत है, जमात आई है उसकी नुसरत करना है, कोई जमात जा रही है तो उसको रवाना करना है, रवानगी समझाना है, कोई जमात आ रही है उसका इस्तकबाल करना है और उसकी रवानगी उसकी कारगुजारी सुनना है, कोई जमात में गया है उसके घर की देखभाल करना है। ये सारे वक्ती तकाजे ही, उन वक्ती तकाजों में अपने सारे साथियों को बारी बारी इस्तेमाल करना ताकि सारे साथी सारे काम को सीखे। आज आपने रवानगी किया है, कल दूसरे साथी से करो, उस 5 मिनट पे करके खत्म हो गया, कोई बात नहीं, आगे की बात आप पूरी। इस तरह इसकी हिम्मतें बढ़ जाएगी। ऐसे ही गश्तों के अंदर भी एक आदमी बात करे, दूसरा आदमी सुने, 2-3 दिन सुना, उसके बाद चौथे दिन उससे कहो तुम बात करो, 2 जुमले बोलेगा, उसके बाद चुप हो गया, कोई बात नहीं, आगे की बात आप उठा लो। जिस तरह साइकिल चलाना सिखाते हैं ना, तो तकरीर से तबलीग नहीं सिखाई जा सकती, क्योंकि तैरना तकरीर से सिखा सकते हैं, पानी में उतार कर सिखाते हैं, साइकिल पर बिठा कर भी सिखाते हैं। इस तरह तबलीग का काम भी करके सिखाना, और ये रास्ता है करके इस तरीके से सिखाना। इस तरह अपने हाथों रोज नए नए काम के आगे बनाने का ये रास्ता है। ये तो हमारे वक्ती तकाजे हैं जो मशवरे से तय हो। एक हमारा दायमी तकाजा है, और दायमी तकाजा हर घर हर फर्द की मुलाकात है। दायमी तकाजा क्या है? हर घर हर फर्द की मुलाकात है। अब हर फर्द की और हर घर की मुलाकात के लिए आपने जोड़ी बना दिया और काम के तकाजे भी सोच लिए। अब हर जमान जो जाएगी वो काम लेकर के जाएगी। जब आदमी के पास जाएगी तो क्या लेकर जाएगी? वे काम लेकर जाएगी। इसलिए कि आपने अपनी मस्जिद में 4 महीने की जमात के लिए महीना तय किया है, यह नहीं कि आपने चिल्ले के लिए 4-5 जमातें 10 जमातों के महीने तय किए, ये काम है। आपने 3 दिन के लिए 4 हफ्तों में जमातों के निकलना तय किया, ये काम है। तब ये 5 या 4 या 6 ही जमातों की जाएगी, वो अपने जहनों में काम लेकर के जाए। क्योंकि हमें जिसकी मुलाकात करना है उसमें से हर आदमी पर कोशिश करना है कि वो कम से कम 4 महीने के लिए तैयार हो, तो उस मुलाकात में अपने दिल को सारे ईमान वालों से साफ करके जाओ। सबसे पहली बात, अगर अपनी बात में ताकत पैदा करना है तो अपने दिलों को सारे ईमान वालों से साफ करना पड़ेगा। अगर दिल में करवाना है तो जबान से कड़वी बात निकलेगी, याद रखो। जबान जो है वो दिल की तर्जुमान होती है। अगर दिल के अंदर में बदगुमानी है तो फिर बात जो निकलेगी वो गलत निकलेगी, सही बात नहीं निकल सकती। इसलिए अपने दिलों को सारे ईमान वालों से साफ करके हर मुसलमान को अपने को अच्छे अच्छा समझ कर हर मुसलमान से मिलना, मिलकर आप जैसे मैंने पहले कहा, आप मौका महल देख करके ईमान की बात करो, दीन में कामयाबी बेदीनी में नाकामी की बात करो, आखिरत की बात करो, उसके बाद आप कहो
लेकिन उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मस्जिद से 4 महीने की जमात फलाने महीने में जा रही है, आप इसकी तैयारी करो। आप घबराओ ना किसी से 4 महीने की तस्वीर करने के लिए, अभी तो 4 महीने मानूस हो गए, क्यों भाई क्या हो गए, क्यों लोगों को मालूम है कि नहीं तकलीफ में 4 महीने के लिए निकला जाता है। आप घबराओ मत, क्या ज्यादा ज्यादा ना कहेगा तो आपको मानेगा कि मैंने 4 महीने की तस्वीर क्यों किया, ज्यादा से ज्यादा कहेगा कि भाई देखो मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो अच्छा भाई कोई बात नहीं, अल्लाह आपके लिए आसान फरमा देंगे जैसे और लोगों के लिए अल्लाह ने आसान फरमाया है। उससे आगे हमारे यहाँ से ये 2-3 महीनों में जिले की जमात भी जा रही है, आपके लिए आसानी कौन से महीने में होगी जिला लगाने की, जिले की आप तैयारी करें, जिले की तस्वीर करो तो कहेगा कि मैंने जिला भी किया सकता। बहुत ज़्यादा आप जोर मत लगाओ, थोड़ी सी तस्वीर करने के बाद आप कहो कि भाई अगर किसी वजह से आप जिला नहीं जा सकते हैं तो भाई अपने यहाँ से तो 3 दिन की जमात हर हफ्ते में जाती है, कौन से हफ्ते में आप 3 दिन लगा सकते हैं, आपके लिए कौन सा हफ्ता आसानी का है जिसमें आप 3 दिन लगा सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं या मजदूरी से आप छुट्टी ले सकते हैं या आपकी दुकान में से गराजी कम होती है उसमें निकल सकते हैं, कौन सा हफ्ता आसानी का है उसमें 3 दिन लगा सकते, वो 3 दिन लगा। जब आप ईमान आखिरत की बात करके 4 महीना चिल्ले से लेकर 3 दिन पर आएंगे तो क्यों भाई 3 दिन के लिए तैयार हो जाएगा कि नहीं। जब आप किसी की मौत की तस्वीर करेंगे तो बुखार पर राजी हो जाएगा, क्या करेंगे जब आप मौत की तस्वीर करेंगे तो बुखार पर राजी हो जाएगा, 4 महीना भी नहीं गया इतने बड़े काम के लिए, इतनी बड़ी बुनियाद के लिए चिल्ला भी नहीं गया तो 3 दिन तो मुझे लिखना है, ये आदमी जरूर कहेगा मैं 3 दिन लिखा। इसलिए मौत से शुरू करना, बुखार पर राजी रहो, फिर भी अगर कोई आदमी 3 दिन के लिए तैयार नहीं हुआ तो मुंह मेला नहीं करना, ये तो निकलता ही नहीं है, ये तो करता ही नहीं है, मुंह मेला नहीं करना। हमारे जिम्मे काम ही निकालेंगे अल्लाह, अपनी पूरी ताकत लगा दो उसके बाद अल्लाह के हवाले करो, फिर मस्जिद में आकर उसके लिए दुआ मांगो, नाम लेकर उसके लिए दुआ मांगो, जो समझाने से नहीं आएगा वो दुआ से आ जाएगा। देखो हजरत उमर इतने बड़े आदमी आए हैं वो दुआ के रास्ते से आए, हजरत उमर कैसे आए दुआ के रास्ते से, इतना बड़ा आदमी आया, इतना बड़ा काम किया है कि तारीख भूल नहीं सकती इसको, 10 साल में इतना काम हुआ है हजरत उमर से कि कोई इसको भूल नहीं सकता। लोग कहते हैं कि अगर 4 उम्र होते तो पूरी दुनिया मुसलमान होती, 4 उम्र होते तो पूरी दुनिया मुसलमान होती, इतना बड़ा काम हुआ है 10 साल में, तो ये दुआ है दुआ के रास्ते से। इसलिए साथियों पर मेहनत भी करना, उनके लिए दुआ करना। इस तरह अगर वो 3 दिन के लिए भी तैयार ना हो तो फिर आखिरी बात ये कहो कि भाई अपनी मस्जिद में 100% मुसलमान नमाजी बने, उसके लिए रोज की मेहनत होती है, उसके लिए जिस अमल में भी आप शरीक हो सकते हैं उसको करें। मस्जिद के बाद मस्जिद में फलाने वक्त मशवरा होता है, आप मशवरा में शरीक हो गए, 5-10 मिनट का होता है, नमाज के लिए तो आप आते ही हैं, आप मशवरे में शरीक हो गए, उसके बाद में अगर आपके पास कोई वक्त है तो 2.5 घंटे की मेहनत करते हैं, कितना वक्त को दे दें, पुरानी वक्त में तालीम होती है उस तालीम में आप शरीक हो जाए, पुराने दिन गश्त होता है उस गश्त में आप शरीक हो जाए, दूसरा गश्त हम पुराने दिन पुरानी जगह करते हैं और महीने के हर हफ्ते में 3 दिन जाते हैं, उसमें से जो अमल भी आपके लिए आसान हो उस अमल में आप शरीक हो, किसी एक अमल में भी ईमान वाले को जोड़ दो, जब एक अमल में जोड़ जाएगा तो नेकियां एक दूसरे की बहनी, एक नेकी पर आ गया तो दूसरी नेकी उसको खींच लेगी, एक नेकी पर आ गया तो दूसरी नेकी खींच, अभी उसने एक अमल शुरू कर दिया तो ये जाये होने से बच जाएगा। आप देख लो एक तरफ की नेकी बाद मरतबा टूट जाती है, सिर्फ उसकी खाल लटकी हुई रहती खाल, तो भी वो टहनी के वो जिंदा रहती, तो देखा कभी आपने इसको, तो एक अमल में भी ईमान वाला लग गया तो वो जिंदा रहेगा। तो हम ये कोशिश करें कि हर मुसलमान को दावत के किसी न किसी अमल के साथ जोड़ने की कोशिश करें, आगे के लिए तरकीब दे, अभी आज क्या है कल दूसरा काम करेगा, कल परसों काम दूसरा करेगा, फिर आगे करेगा, फिर यही दुनिया में जाकर अल्लाह की दीन का काम करेगा, आलम इस्तेदाद है वो इस्तेदाद काम करने से जो है वो जाहिर होगा। इस तरीके से हर घर हर फर्द की मुलाकात करना, क्यों भाई करेंगे इंशाल्लाह 2.5 घंटे में ऐसा ही काम करेंगे इंशाल्लाह, वक्त की तकाजे भी पूरे करेंगे, और ये जो रोजमर्रा का तकाजा है हर घर हर फर्द का
वो हर महीना होते होते 100% घर की मुलाकात होनी चाहिए और 100% अफराद की मुलाकात हो जानी चाहिए। इंशाल्लाह हर महीने में अपने काम को हम आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। मस्जिदों में नमाजें बढ़ जाएंगे, तबलीग में निकलने वाले बढ़ जाएंगे, चार महीने चिल्ले की जमातें बढ़ जाएगी जब मेहनत का ये रुख हमारी सारी जमातें करें। जितना है इतने करें, 6 आदमी है तो 6 आदमी करें, 10 आदमी है तो 10 आदमी करें, 20 आदमी है तो 20 आदमी करें, जितने हैं वो काम का ये सहयोग कायम करें। ये वे करेंगे इंशाल्लाह, सारे करने के लिए तैयार है और कौन करने के लिए तैयार है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बहुत कुबूल फरमाए, बहुत आसान। नमाज में सुस्ती है तो वो सुस्ती तालीम की बरकत से दूर होगी।
घरों में झगड़े हैं तो घरों के झगड़े तालीम की बरकत से दूर होंगे। जिंदगियों में हलाल हराम की रियायत नहीं है तो हलाल हराम की रियायत जिंदगियों में तालीम की बरकत से आएगी। जिंदगियों में रियाकारी है तो रियाकारी तालीम की बरकत से खत्म होकर इखलास और इलाहियत आएगी। और दुनिया पर मिटने का जज्बा है तो तालीम की बरकत से अल्लाह पर और दावत पर मिटने का जज्बा पैदा होगा। हमारी जिंदगी में जो निखार आएगा वो तालीम की बरकत से आएगा। इसलिए तालीम की तालीम इतने वक्त करना जितने वक्त में मदने की बशाशत हो। देखो तालीम जो है उस तालीम के अंदर में एक हदीस भी जिंदगियों को बदलने के लिए काफी है। हदीस इतनी ताकतवर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकली हुई बातें, बड़ा इससे वक्त समझने का वक्त नहीं, लेकिन इतनी ताकतवर है। इसमें आप ये नहीं सोचोगे भाई हमको तो इतना वक्त कर रहे हैं कोई बैठे नहीं बैठे, नहीं, कोशिश करो कि सारे नमाजी तालीम के हल्के में बैठना चाहिए। उसके लिए प्रशासन 10 मिनट की है तो 10 मिनट करो, फिर उसके बाद थोड़ी प्रशासन बनी तो 11 मिनट करो, फिर बनी तो 12 मिनट करो, आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ाओ। लेकिन मजने की रफ्त शौक के एतबार से करो, ये नफरत दिलाने का काम नहीं है, ये उम्मत को आमान पर लाने का काम है। बात समझ आ रही? इसलिए पाबंदी के साथ रोज फजाइल की तालीम करना, और तालीम जो है ये सीखने के लिए नहीं है, सीखने के लिए इंफरादी वक्त है। इस वक्त में तालीम ऐसा अच्छा आदमी करना चाहिए जो अच्छी तरह किताब पढ़ सके, सही पढ़ सके, साफ सुथरी पढ़ सके, हदीस को 2 मरतबा पढ़े, 3 मरतबा पढ़े और फायदे को 1 मरतबा पढ़े, ताकि बाद दिलों में रासिख होती चली जाए। बात समझ में आ रही? ऐसी अच्छी तरीके से तालीम करें। उसी के साथ में मेरे दोस्तों 2.5 घंटे की मेहनत में एक बात ये रह गई कि 2.5 घंटे की जब आप मेहनत करेंगे तो उस मेहनत में हर घर में आपको कोई ना कोई बड़े के साथ तालिब इल्म मिलेगा। कोई भी घर जो है वो स्टूडेंट से खाली नहीं है, 10वीं में 11वीं में 12वीं में कॉलेज में पता नहीं मास्टर्स में पता नहीं क्या क्या, मुझे तो मालूम ही नहीं। बहरहाल हर घर में बच्चे हैं, तो जिस तरह बड़ों को मुलाकातों में अहमियत दे, इस तरह इन बच्चों को भी हम अहमियत दें। बच्चा निकला 15-16 साल का 18 साल का, तो आप ये बोलो तेरा काम नहीं है, तेरे बाप का काम है, तेरे बाप को नहीं, उसका काम है। जो अहमियत बड़ों को देते हैं वही अहमियत हम इन बच्चों को दें। इसलिए कि हमारा बड़ा सरमाया है और ये हमारा मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल में यही लोग जो है वो काम करने वाले बनेंगे। पढ़ाई के जमाने में अगर इनका थोड़ा सा प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, इनकी पढ़ाई की रियायत के साथ अगर इनको सम्मान दिया गया तो यही आगे के मेहमान है, यही उम्मत के मेहमान बनेंगे। इसके लिए हर बच्चे को इतना ही एहतमाम के साथ देना जिस तरह बड़े को हम दे रहे हैं। जो वक्त उसके मुनासिब है उसकी अकल के एतबार से इतनी बात उससे करना, उससे भी दावत देना कि हमारी मस्जिद में मशवरा होता है, बेटा तो मस्जिद में नमाज के लिए आते हो, मशवरे में बैठे हैं करो 5-7 मिनट, उसमें आपकी पढ़ाई का कोई हल नहीं होगा। 10 मिनट की तालीम होती है उसमें आप बैठ जाओ, आप पढ़ाई घंटा मत लगाओ, आपकी पढ़ाई होती है, आप 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए एक मुलाकात के साथ में चले जाओ, एक मुलाकात करके आप अपनी पढ़ाई में चले जाओ। और बेटा आपकी तो हफ्ते में 1-2 दिन की छुट्टी भी होती है, तो छुट्टी के 4 दिन 4 हफ्ते में छुट्टी होती है, तो 1 दिन अपना जमात के साथ लगा लो। 3 दिन की जमात अपनी मस्जिद में से जाती है, उसमें 1 दिन जमात के साथ आप लगा लो। अगर उसमें आपकी दूर जमातें जाती है तो बहरहाल आप मशवरे से सोच सकते हैं कि उनका 1 दिन आपकी जमात में कैसे लगाएगा। इसलिए कि बच्चों के लिए जमात लगाने की जो तरतीब बड़े कहते हैं कि उनकी मुस्तकिल जमात निकालने के बजाय बड़ों के साथ इनकी जमातें निकले ताकि इनका वक्त सही गुजरे। 1 दिन इनका साथ में लगाओ, कोई वक्त ऐसा आ गया कि 3 दिन की छुट्टी है तो 3 दिन इनको अपने साथ में ले लो, हर जमात में 2-4 तलबा साथ में हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपके काम में बहुत तरह के नया खून मेरे काम में चाहिए और नया खून हमको जवानों से मिलेगा। जो काम हम नहीं कर सकते वो हमारे बच्चे करेंगे। सच बताता हूँ, इतनी हिम्मत वाले बच्चे होते हैं, तो ये हिम्मत वाले ये बच्चे काम करें। 1 दिन लिया 2 दिन लिया 3 दिन लिया, कोई छुट्टी आ रही है उन छुट्टियों से पहले जोर करके उनकी तश्कीलें कर लिया। जिन्हें की जमात भी जा सकते हैं तो उसके लिए 2-3 पुरानों को जिम्मेदारों को दे किया, लेकिन इन बच्चों को लेकर के जाएंगे और उसके बाद में उनका जोड़ करके उनकी तश्कीलें करना, उनका कोई प्रोग्राम बनने से पहले उनका छिका लगवाना, उनके 10 दिन लगवाना। छुट्टियों के जमाने में बड़े फरमाते हैं कि पढ़ाई के जमाने में इनको छेड़ो नहीं और छुट्टियों में इनको छोड़ो नहीं, नहीं तो छुट्टियां पता नहीं कहां गुजर।
दिन का चिल्ला 10 दिन लगवाना, फिर ये लगा करके वापस आ जाए, उसके बाद इनको मकामी काम समझाना कि बेटा आप कॉलेज में जब जाओगे या स्कूल में जाओगे तो आपको अपनी पढ़ाई के साथ दावत के काम को लेकर जाना है, और उसका आसान रास्ता इनको बताओ। उसका आसान रास्ता ये है कि भाई आपको 1 घंटा विशेष मिलता है खाने के लिए, तो आप जल्दी से खाना खा लो, उस वक्त में जोहर की नमाज जमात के साथ पढ़ लो, अगर आसानी है जब सिमाही शक्ल से नमाज पढ़ने की, नमाज पढ़ लो, हदीस की किताबों आ रख लो, 2 हदीस पढ़ लो, बस 3 हदीस पढ़ लो, आपकी तालीम हो गई। आप मुलाकातों का निजाम बना लो, कभी अपने अपने क्लास में हो या अपने कॉलेज में किन बच्चों की मुलाकात कौन करेगा, आप 10 आदमी साथ में नमाज पढ़े, 2-2 आदमी की जमात बनाकर 2 आदमी तय कर लिया कि फलाने आदमियों की आप मुलाकात करना, फलाने की तुम करना, फलाने जब छुट्टी हो जाए जब करना, पढ़ाई के जमाने में नहीं करना, लेकिन इस वक्त में इनकी मुलाकात आपको कर लेना, 1 दिन में कर लेना, 2 दिन में कर लेना। तो ये 3 काम हो गए पढ़ाई के जमाने में, तालीम भी हो गई, नमाज भी हो गई, मशवरा भी हो गया, मुलाकातों का निजाम भी हो गया। इस तरीके से इनको काम समझा करके भेजना। यहाँ पर आए हमारे हफ्तावारी इज्तिमा में, एहतमाम से इनको लेना, बच्चा समझकर छोटा है, 3 दिन इनको प्यार से लेकर के जाना, कभी इनको खिलाना पड़े तो खिलाओ, खिलाना पड़े तो खिलाओ, और इनको इनकी मिजाज की रियायत के साथ चलाओ। ऐसा तो मत करो कि उनको फुटबॉल खेलने के लिए छोड़ दो, ये कर दो, इसलिए कि आमान में लगेंगे तो ही काम समझ में आएगा, खेलकूद से कभी काम समझ में नहीं आता याद रखो, लेकिन इनकी मिजाज की रियायत के साथ भी इनको चलाओ। दर्ज ये कि तलबा को एहतमाम के साथ लेना, जितना वक्त दे सकते हैं पढ़ाई की रियायत के साथ उतना लेना, 1 दिन 1 घंटा 10 मिनट 5 मिनट चिल्ला 10 दिन जितना लगा सकते हैं इतना उनसे लेना, क्यों वे करेंगे इंशाल्लाह। अपनी हर जमात में तलबा को लेने की कौन कौन फिक्र करेगा, ये माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे, अल्लाह बहुत। उसी के साथ में मेरे दोस्तों तालीम मस्जिद के साथ घर की तालीम है, हमारे घर की छोटे बड़ों को लेकर जो वक्त सबके लिए मुनासिब और सहूलत का हो बैठ कर इतने वक्त तालीम करना जिसमें बशाशत के साथ ये तालीम में शरीक हो जाए, जबरदस्ती नहीं करना, कोई नहीं बैठे तो डांट डपट नहीं करना, डंडा नहीं चलाना, गाली गलौज नहीं करना। आप तो घर में किताब शुरू कर दो, एक बच्चे के साथ शुरू किया तो बच्चे के साथ शुरू करो, थोड़ा जोर से पढ़ो, उसकी माँ जो है काम करते हुए सुन ले, और आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन में आते, इसलिए डंडे से काम नहीं चलता, हमारा काम जबरदस्ती का नहीं है। आप तो प्यार से काम शुरू करो, घर में मोहब्बत से गिरा गिरा करके काम शुरू करो, और उसी के साथ में मेरे दोस्तों जितना इनमें बशाशत है इतना करो। अपने घर का माहौल दीनदारी का बनाना अपनी जिंदगी में जरूरी है, अगर हम अपने घर का माहौल नहीं बना सके तो बुढ़ापे में घर में बेघर हो जाएंगे, याद रखो घर में बेघर हो जाएंगे तबलीग वाले, इसलिए कि घर की सियासत में बच्चे औरत के साथ होते बाप के साथ नहीं होते, याद रखो, जब घर में झगड़ा होता है तो बच्चे माँ के साथ होते हैं बाप के साथ नहीं होते। और हमारे उस्ताद एक बात कहते थे कि औरत अपनी जिंदगी में 2 मर्तबा जवान होती है, औरत अपनी जिंदगी में 2 मर्तबा जवान होती है, एक तो शादी के लायक होती है जब जवान होती है, दूसरा जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं जब जवान हो जाते हैं, जब उसके बच्चे बड़े हो जाए जब जवान हो जाए, अब तेरी मेरी उसको जरूरत नहीं, तो कहेंगे गुंडा तुमको सबको बर्बाद कर दिया, बिस्तर लेकर गुंडा कर गुंडा इसको मस्जिद में छोड़ो, रोटी बेचते रहेंगे मारेंगे अपने मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देंगे, इसकी हमको जरूरत नहीं, घर में बेघर हो जाएंगे। याद रखो मैंने एक अरब के सामने ये बात किया तो अरब ने खड़े होकर मेरी पेशानी चुन लिया, बोला हमारा यही अच्छा मदीना मुनव्वरा की जमात थी बॉम्बे के, मैं उनसे मुजाकरे के लिए बैठा था, उसने मेरी पेशानी को गुस्सा दिया, मैंने फरमान को सच किया हमारी औरतें दोबारा जवान हो गई और हमको घर से बेघर कर दिया है, हमारी कोई बात सुनती नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों अपने घर का माहौल बनाने का आसान रास्ता मोहब्बत से घर में तालीम कायम करना है, ऐसे मोहब्बत से, जोर जबराई से नहीं, डांट डपट से नहीं, भले 1-2 महीना लग जाए कोई बात नहीं, क्यामत थोड़ी आ जाने वाली है 1-2 महीने में, क्यामत में देर, अभी दुनिया में बहुत शेर है, घबराओ मत। इसलिए मोहब्बत से अपने घर में तालीम शुरू करो और कोशिश करो सारे छोटे बड़े उसमें शरीक, उसके फजाइल की तालीम करो, तब घर वाले जो है इंसान की फितरत में अच्छी तरफ अच्छाई की तरफ लपकना है और बुराई से भागना है। आज चीज़ों का नफा मालूम है तो चीज़ों का डिमांड है,
ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ, जब इनको अमल का नफा मालूम हो जाएगा तो अमल का शौक पैदा हो जाएगा। आसान रास्ता जिंदगियों के बदलने का ये फजाइल की तालीम है, इसमें फजाइल की किताबों में फजाइल अमल है, फजाइल सदकात है, ये ऐसी अजीम किताबें हैं कि जिसने उम्मत की तरबियत का बहुत बड़ा इल्म अल्लाह वालों ने अल्लाह वालों के इशारे से जमा किया है, अल्लाह वालों ने जमा किया है मुहद्दिसीन ने, और अल्लाह वालों के इशारे से जमा किया है। इसीलिए हजरत रहमतुल्लाह अलैह से मरतबा कहा गया किसी किताब को तालीम में लाने के लिए, तो हजरत ने फरमाया कि किताबों में जो नूर है वो कहाँ चला है। इसलिए इन फजाइल की तालीम से अपनी मस्जिदों में भी करना, अपने घरों में भी इन किताबों से अपनी तालीम करना, क्योंकि करेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन करेंगे आज से अपने घर में कौन तालीम शुरू करेंगे अल्लाह ताला को बोलते। उसी के साथ में मेरे मोहतरम दोस्तों एक हफ्ता वाली गश्त है, हफ्ता वाली गश्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम के सबसे ज्यादा करीब है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत के सबसे ज्यादा करीब अमूमी गश्त है, बहुत ताकतवर अमल है। पूरे कुरान को अमली तौर पर उम्मत में जिंदा करने की ताकत अल्लाह ने अमूमी गश्त पे रखी है। ये पूरा कुरान अमली तौर पर उम्मत में जिंदा होगा वो अमूमी गश्त के जरिए से होगा। आप अंदाज लगाए जमात जाती है अनपढ़ों की, लेकिन फिक्र वाली जमात जाती है, एक बेनमाजी को मस्जिद में लेकर आती है, अब वो वजू करता है, वजू क्या है नहीं? जितनी मरतबा है उन सारी आयतों पर अमल जिंदा हो गया उसकी जिंदगी, हालांकि एक भी आयत वो भी नहीं जानता, जाने वाली जमात भी नहीं जानता। फिर रुकू की आफा कौ मार रहा कि आयत जिंदा हो गई, उसके बाद ऐलान हुआ वो ताली में बैठ गया, बयान ने तीन दिन में नाम निकल दिया, बाजार का जकात ही दे रहा था, जमात में जाकर जकात के फजाइल सुने, जकात देने लगा, जकात की जितनी आयतें हैं उसकी जिंदगी में जिंदा हो गई। लोगों ने 18-18 साल की जकातें निकाली है तबलीग में निकल गए, इतना ताकतवर अमल है अपनी घर उसके जरिए से आएंगे। मैं समझता हूँ इस मरने में अक्सर लोग है जो अमूमी गश के जरिए से आएंगे, इसलिए अमूमी गश को कुर्बानी के साथ करना, कि उस दिन अपनी दुकान का शटर थोड़ा सा जल्दी बंद करना पड़े तो बंद करके करें, थोड़ा छुट्टी जल्दी लेकर आना पड़े तो आए, थोड़ा मजदूरी का वक्त कम करके कर आना पड़े तो करें, गर्ज ये कि अपने सारे कामों को आगे पीछे करके कुर्बानी के साथ अपना हफ्तावारी गश करना, और ऐसा अच्छा गश करना कि 100% महल्ले के लोग नमाजी बन जाए। ये गश का उनवान है। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में आप लोगों को मालूम होगा, अभी तो कारगुजारी में पता नहीं कितने उम्र हो गए थे, लेकिन उस जमाने में हजरत जी ये पूछते थे, मौलाना इजाज़ साहब तक ये पूछते थे कि भाई हम ये नहीं पूछते कितनी जमातें निकले, अल्लाह बहुत मुबारक करें कितनी जमातें, आप तो हमें कोई मस्ती ऐसी बताओ कि यहाँ की 100% बारी बंद और के नमाज, हमारी दावत की गर्ज है इबादत जिंदा करना, तो एक तो हमारे कष्टों के जरिए से 100% नमाज की वीजा बननी चाहिए, हमको हर साल जायजा लेना चाहिए कि इस साल की हमारी मेहनत से कितने नमाजी बने, ये जायजा लेना पड़ेगा। बात समझ आ रही? दूसरा, हमारे हर गश्त से जमात निकलना चाहिए, चाहे 3 दिन की जमात, हर गश्त से 3 दिन की, चिल्ले की, 4 महीने की जमातें निकले, ये दो चीजें अमूमी गश्त के जरिए से बनाई गई है। ऐसा अच्छा गश्त करना दो नमाजों के दरमियान का वक्त फारिग करके करना, अगर कुछ वक्त नमाज में बचा है तो दुआ जिक्र में लगना, इधर उधर की बातों में नहीं लगना, गश करके आए हो अल्लाह से कहने का वक्त है, मेहनत के बाद दुआ नबियों जैसी कबूल होती है, इस वक्त में अपने लिए मांगो, अपने महल्ले वालों के लिए मांगो, जिन लोगों पर गश किया इनके लिए मांगो, पूरी उम्र के लिए मांगो, ये दुआ का वक्त है, इधर उधर की गपशप करने का वक्त है, इसलिए गपशप में अपना वक्त जाहिर नहीं करना चाहिए, दो नमाजों का पूरा वक्त आमाल में रहना चाहिए। बयान हो रहा है बयान में बैठे, जिक्र हो रहा है जिक्र करें, कोई बात जो है ना वो नहीं है तो अपना दुआ में अल्लाह से आहोजारी करें, दुआ की कबूलियत का वक्त है जो मगरिब से पहले भी, और दूसरा गश्त के बाद भी, तो अपना वक्त बातों में लगाने के बजाय गश्तों में दुआ में अपने वक्त को, इस तरीके से ऐसा अच्छा गश्त करना जिससे 100% नमाज की वीजा बने और हर जमात से गश्त निकले, हर गश्त से जमात 3 दिन की आखिरी दर्जे में अल्लाह के रास्ते निकले। ऐसा ही दूसरे गश्त के जरिए से
दो महीना तीन महीना किसी ऐसे महले में कि जहां पर मस्जिद नहीं है या मस्जिद में है लेकिन काम की शक्ल नहीं है, उस महले में दो तीन महीना काम करके वहां के लोगों को तीन तीन दिन अपने साथ लेकर के जाना और तीन दिन में उन पर ऐसी मेहनत करना कि उनको गश्त भी समझ में आए, तालीम भी समझ में आए, मुलाकातें भी समझ में आए और फुरूज भी समझ में आए, ताकि यही लोग मस्जिद वार जमात बनाकर उस महले में काम करें। तो दूसरे गश्त के जरिए से हर महले में जिसमें मस्जिद नहीं है या मस्जिद है लेकिन काम की इजाजत नहीं है, वहां के लोगों को अढ़ाई घंटे के जरिए से, एक घंटे के जरिए से, हफ्तावारी गश्त के जरिए से ऐसी मेहनत करना कि 5-25 आदमी आपके साथ तीन दिन में निकलना चाहिए और तीन दिन अच्छा इनका लगना चाहिए, यही आदमी उस महले में काम करें। दूसरा, उस महले के लोगों को काम ये लोग समझें, आप भी समझा सकें, लेकिन जो उस महले के लोग देखेंगे कि ये 25 लड़के हमारे पूरे महले के गंदे सर थे, इनके अंदर में सुधार कहां से आया, लोग कहेंगे कि तबलीग में गए थे तो सुधार आया, क्योंकि भाई तबलीग का काम समझ में आएगा कि नहीं, हर बाप कहेगा मेरे बेटे को लेकर जाओ, हर बीवी कहेगी कि मेरे शोहर को लेकर के जाओ, सब लोग परेशान है अंदर में, हर एक कहेंगे मेरे बाप को भी लेकर जाओ, मेरे लिए दर्द सर बना हुआ है, मेरे बेटे को लेकर जाओ, बेटा दर्द सर बना हुआ है, बीवी कहेगी मेरे शोहर को लेकर जाओ, मेरा शोहर दर्द सर बना हुआ है, तीन बच्चों के रास्ते से उस महीने में काम करें। इसलिए दूसरे गश के जरिए से हर महीने में गश को जिंदा करना और मस्जिदवार जमात बनाना। क्यों भाई बनाएंगे इंशाल्लाह, कौन कौन बनाएंगे इंशाल्लाह, आइंदा जब जमा होंगे तो इंशाल्लाह काम कई गुना ज्यादा बड़ा हुआ होना चाहिए, क्यों भाई होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बड़ा होगा, कौन बढ़ाएगा, अल्लाह बढ़ाएगा इंशाल्लाह। उसी के साथ में मेरे दोस्तों, ये दो गश्तों के साथ में तालीम के अंदर में एक बात रही, तालीम में एक बात रह गई कि घर की इस तालीम के साथ में हफ्तावारी जो तालीम होती है मस्तूरात की, उसमें अपने घर की बहनों को उस मस्तूरात की तालीम में भी भेजना, इज्तिमाई माहौल से जहन बनता है, हमारे घर की तालीम हमें उसके साथ हफ्तावारी इज्तिमा में 12-15-25 औरतें होती है, जब एक साथ जमा होकर करती है तो उनका जहन काम का ज्यादा बनता है, इसलिए हफ्तावारी इज्तिमा में अपनी मस्तूरात को भेजना। उसी के साथ वक्तन को वक्तन इनको तीन दिन के लिए अपने साथ लेकर के जाना और तीन दिन की जमात बनाने में सिर्फ पुरानी बहनों को एक साथ नहीं जाना, बल्कि दो बहन पुरानी हो और दो बहनें नई हो या तीन बहनें नई हो, किसी जमात बनाना। अगर सिर्फ पुरानी बहनें जाएगी तो पिकनिक करके आ जाएगी, जैसे वर्ड पिकनिक करके आ जाते हैं पुरानी एक साथ जाकर के, अगर दो बहनें पुरानी होंगी तीन बहनें नई होंगी तो काम करके सीख कर सिखा करके आएगी, इसलिए जमात के बनाने में इस बात का पूरा लिहाज करना कि दो बहनें पुरानी हो, तीन बहनें दो बहनें नई हो, ऐसी जमातें बनाना। इनको जाने के वक्त में पूरा काम समझा कर भेजना, वापस आए तो कारगुजारी का जो निजाम हमारे बड़ा को बनाया है वो लेना, ताकि मस्तूरात का वक्त भी सही लगे मर्दों के साथ। फिर तीन दिन दो चार मरतबा लगा दिया, उनके 10 दिन लगवाना, 10 दिन लगा दिए तो उसके बाद चिल्ला लगाना, ताकि चिल्ले में हर महीने में 2-4-5 औरतें ऐसी समझदार होनी चाहिए कि जो काम को अच्छी तरह समझी हुई हो, दीन को अच्छी तरह समझी हुई हो, ताकि मकामी तालीम के निजाम को अच्छी तरह संभाल सके। नहीं तो औरतों का काम बहुत नाजुक है, हम तो बात देखते नहीं, पता नहीं कौन आकर के उस तालीम में क्या चला देगा, अगर समझदार औरतें नहीं है उसमें कि जो कंट्रोल कर सके, तो इधर उधर की बहनें आकर दीन के नाम पर पता नहीं क्या चला कर की जाए। इसलिए हर महीने में ऐसी समझदार बहनें होना जरूरी है कि जो अच्छी तरह काम के सारे उसूलों को भी समझे, दीन को भी समझे, ताकि हमारी तालीम का निजाम सही तरीके से चले और कोई भी गलत चीज आकर के करे तो उसको रोकने का उनके अंदर में ताकत हो, ऐसी बहनें हर महीने में होना जरूरी। ये ताकत कब पैदा होगी, जब वो बहनें चार चिल्ला लगाएगी तो उनके अंदर में ये बहना अच्छा चिल्ला लगाएगी, फिर उसके अलावा दूसरा उनके जिम्मे काम यह है कि कोई जमात तीन दिन की अपने महले में आए तो उनकी तालीम तरबियत कर सके। तीसरा तकाजा इनके जिम्मे यह है कि तकाजे दुनिया में बहुत है, कभी मुल्क में तकाजे होते हैं कि किसी जगह पर मस्तूरात ही से काम हो सकता है, मस्तूरात में काम की कोई चक्कर ही नहीं, तो
मस्तूरात में सिर्फ बयान से काम नहीं होगा, अमली तौर पर उनके सामने काम होना चाहिए। तो मुल्की तौर पर तकाजा होता है, उसके लिए चिल्ले की जमात का तकाजा होता है। तो चिल्ले की जमात के लिए जरूरी है कि उसका पहले चिल्ला लगा होना चाहिए, तो ही जमात जमात बन सकेगी। तो ऐसी बहनों का वजूद जरूरी है हर महीने में, जो काम को अच्छी तरह चिल्ला लगा करके समझी हो। बात समझ आ रही? उसी के साथ कभी ये तकाजा मुल्कों का होता है, और दुनिया के मुल्कों में जो मस्तूरात में काम हुआ है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा मस्तूरात की जमात का है। ये मस्तूरात ने अंदर अंदर में जाकर के औरतों ने काम किया है और उनके जरिए से बहुत काम हुआ है। तो वहां के तकाजे होते हैं, तो दो महीने की जमाती बनती है, तो दो महीने की जमात के लिए भी ये जरूरी होता है कि काम को अच्छी तरह समझी हुई हो ताकि वहां जाकर के काम कर सके। तो इसके लिए अपनी मस्तूरात के काम को तालीम के हवाले के साथ आखिरी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करना है। क्यों वे करेंगे इंशाल्लाह? कौन कौन तीन तीन दिन अपनी मस्तूरात के साथ लगाएंगे, फिर दस दिन कौन लगाएंगे, फिर चिल्ला कौन लगाएंगे? इंशाल्लाह तकाजा होगा तो मुल्कों में भी जाएंगे, क्या हो अल्लाह के दीन की बात को लेकर दुनिया में जाएंगे इंशाल्लाह। आप ये मत देखो कि हमारे गैर में क्या है, आप तो गैर में देखो कि अल्लाह के पास कितना है। जब आदमी अपने आप को अल्लाह के दरबार में पेश कर देगा और अल्लाह चाहेंगे कि मैंने इस बंदे से मुझे काम लेना है, सच्ची तलब का है, तो अल्लाह काम के लिए जिस चीज की जरूरत है अपने खजाने से देंगे। ये पक्की टक्की बात देखे। सहाबा को तिजारत के रास्ते से नहीं दिया, फैक्ट्री के रास्ते से नहीं दिया, अल्लाह ने गैब से सहाबा को दिया और इतना दिया है कि सदियों तक खाते खिलाते थके और खत्म होकर चली गए। सदियों तक के लिए खिलाफत उनके खानदानों में चली है, सदियों तक के लिए, और पूरी दुनिया में हक इतना चमका है कि बादल आवाज उठाने की उसकी हिम्मत नहीं थी दुनिया में। तो आजकल जो है ना, हमारी कमजोरी की वजह से बादल जो है वो सरकश हो गया है, वरना बादल के तो सर उठाने की हिम्मत नहीं थी मुसलमान के सामने। अल्लाह वो दिन लाएगा कि बादल सर उठा करके दुनिया में चल नहीं सकता, अल्लाह वो निजाम दुनिया में कायम करेगा इंशाल्लाह, वो अल्लाह कायम करेगा इंशाल्लाह। और उसके लिए हम जो कुछ करना पड़ेगा आफियत के साथ इंशाल्लाह करेंगे। इसलिए मस्तूरात के काम को भी अहमियत के साथ करना है, तजर्बा के साथ में। उसी के साथ में मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे कैलेंडर में 27 दिन का कैलेंडर होना चाहिए। कितने दिन का होना चाहिए? हमें टाइम हो गया क्या? मैंने आपसे कहा था देखो भाई, मजलिस उस वक्त पूरी होगी जब काम पूरा होगा, क्योंकि काम मजलिस कब खत्म होनी चाहिए, अधूरा काम छोड़कर होना चाहिए, काम पूरा करते हैं क्योंकि काम पूरा होना चाहिए। आप लोग थक तो नहीं गए? हाँ, इसलिए हिम्मत से बैठो। ज्यादा अच्छा लग, देखो मैं गैर जरूरी कोई बात नहीं करूंगा, काम का आपको तकलीफ करके लंबा वक्त नहीं करूंगा। जो चीजें जरूरी है मैं अल्लाह से मांग कर बैठा हूँ कि अल्लाह जो मेरे लिए जरूरत की है और इस बच्चे के लिए जरूरत भी अल्लाह को देखा। इसलिए ये सारी जरूरी बातें हैं हमारे काम से मुताबिक है, और पूरा काम बनकर के एक काम बने, किसी एक चीज में झोल होगी तो उसका नुकसान सब जगह पर होगा। मैंने पहले सुबह में भी कहा था शायद कि बदन के एक हिस्से में अगर कमजोरी है तो इसका असर हाथ को नहीं होगा, पूरे जिस्म को होगा। ऐसा एक एक हमारा तबका अगर उसमें काम नहीं होगा तो उसका नुकसान सारों को पहुंचेगा, और सारे तबकों में काम होगा तो उसका नुकसान सबको पहुंचेगा, उसका नफा सबको पहुंचेगा। बात समझ में आ रही? इसलिए सबको लेकर के चलना जरूरी है, और अल्लाह ने ऐसा निजाम बनाया है काम का कि फर्द भी बनेगा और आना भी बनेगा इंशाल्लाह एक साथ। अब मेरे दोस्तों, उसी के साथ में हमारा कैलेंडर 27 दिन का होना चाहिए। कितने दिन का? 27 दिन का, 30 दिन का नहीं। हम 27 दिन अपने घर कारोबार को हलाल तरीके से अच्छी तरह करेंगे। मुसलमान मामा नहीं होता, याद रखो, मुसलमान मामा नहीं होता, मुसलमान समझदार होता है। मुसलमान की सिफत बनाई बताई, ये धोखा देता भी नहीं है, धोखा खाता भी नहीं। जब बेईमानों के सामने आया कि मुसलमान की ये शान है, तो उन्होंने कहा कि ये तो दयानतन भी और कयादतन दोनों लाइन में पुख्ता है, दयानतन भी पुख्ता है और कयादतन भी पुख्ता है, ये धोखा देता भी नहीं, धोखा खाता भी नहीं। तो इसलिए मुसलमान जो है अपने घर कारोबार को भी अच्छी तरह संभालना चाहिए।
नमूना बनना चाहिए, लोग हमारे से पूछना चाहिए कि तुम्हारा अच्छा निजाम ऐसा कैसे बना। तो मुसलमान अपने घर कारोबार को अच्छी तरह 27 दिन संभालते हुए 3 दिन अल्लाह के रास्ते में लगा, 3 दिन लगाएंगे 30 दिन का सवाब मिलेगा, वरना जो एक नेकी लाएगा 10 के बराबर मिलेगी। 3 दिन लगाएंगे 30 दिन लगाने का सवाब मिलेगा, पूरा महीना अल्लाह के रास्ते में शुमार होगा। क्योंकि ऐसे नफे का कोई बिजनेस दुनिया में है, इतना बड़ा नफा होगा कि आपके 30 दिन अल्लाह के रास्ते में शुमार होगा। इसलिए पाबंदी के साथ हफ्ते के तायुन के साथ में 3 दिन लगाना, इसके साथ लगाना हफ्ते के तायुन के साथ, ऐसा ही चिल्ला भी महीने के तायुन के साथ लगाना और कमरी महीने के अतबार से लगाना। कौन से महीने से? अमरी महीने से, शमसी महीने, अंग्रेजी महीने से नहीं, अमरी महीने से। इसलिए अमरी महीने से जब आप चिल्ला लगाएंगे तो कभी गर्मी में आएगा, कभी सर्दी में आएगा, कभी बारिश में आएगा, तो मौसम के तासर से आदमी निकल जाएगा। और अंग्रेजी महीने से लगेंगे तो मई महीना तो हर महीने में आता है, हर साल में आता है, क्यों भाई? इसके लिए कमरी महीने से लगाना, और कमरी महीने से लगाएंगे तो फिर जो है वो हर साल का चिल्ला आपका लग जाएगा, वरना शमसी महीने से लगाएंगे तो कुछ सालों में जाकर आपका एक चिल्ला कम हो जाएगा। हो जाएगा कि हो जाएगा मालूम है कि नहीं साथ चिल्ला? हाँ, इसलिए अपना पूरा अमानतदारी के साथ चिल्ला लगना चाहिए। और जो महीना आपने तय किया उस महीने में जाना, फिर कोई काम आए आगे पीछे करो, घबराओ मत, कुर्बानी पर इस यकीन के साथ जाओ कि काम को आगे पीछे करूंगा तो अल्लाह मुझे जाय नहीं करेगा। ये काम जाय होने के लिए है ही नहीं, ये काम तो आबादी के लिए। और मैं ये तो दो टक्की की चोट आपको कहता हूँ कि इस तबलीग के काम ने तबलीग वालों से कुछ लिया नहीं है, तबलीग वालों को दिया ही है। और हमारे लिए आजमाइश लेना नहीं है, इस वक्त में देना ही हमारे लिए आजमाइश बन गया है, खुशहाली हमारे लिए रुकावट बनी हुई है आगे बढ़ने से, मसाई नहीं है, खुशहाली रुकावट बनी हुई है। इसलिए मेरे दोस्तों ये काम तो देने ही के लिए, अल्लाह इतना देंगे इतना देंगे कि आप खाते खिलाते थक जाओ पर खत्म होकर के नहीं। इसके लिए 3 दिन पाबंदी के साथ हफ्ते के तायुन के साथ में लगाना। क्यों भाई, कौन लगाएंगे हर हफ्ते में महीने में 3 दिन? अब 3 दिन में मेरे दोस्तों दो चीजें हैं, मैंने कहा था काम सही होना चाहिए और पूरा होना चाहिए। तो अब सही होने के लिए क्या है? फरमा 3 दिन में एक तो वक्त पूरा होना चाहिए, 72 घंटे पूरे। किसी कुएं में 72 हाथ पर पानी है, आपके हाथ के 70 हाथ की रस्सी है, क्योंकि वह पानी निकल जाएगा, कितनी रस्सी चाहिए? 72 हाथ। ऐसा ही 3 दिन से पूरा नफा उठाने के लिए 72 घंटे पूरे लगाना। इसलिए कि बारिश के कौन से कतरे में बरकत है हम नहीं जानते, अव्वल में, बीच में, आखिर में। ऐसा ही निकलने में पहले घंटे में आदमी की तरबियत होगी, बीच में होगी, आखिरी घंटे में होगी, हमको मालूम नहीं। इसके लिए एक तो 72 घंटे पूरे लगा, कि भाई 72 घंटे कौन पूरे पूरे लगाएगा? इंशाल्लाह देखिएगा, चाहे 72 घंटे लगाने के लिए आपको छुट्टी लेनी पड़े, तनख्वाह कटा करके लेनी पड़े, जो तनख्वाह कटेगी ना वो नुकसान नहीं होगा, वो कुर्बानी होगी। और कुर्बानी पर अल्लाह इतना देंगे कि आप खाते गिराते थक जाओ खत्म होकर के लीजिए, पक्की पक्की बात मैं आपको कह रहा हूं। इसलिए 72 घंटे एक तो पूरे लगा, दूसरा 3 दिन के में आमाल पूरे करना। सिर्फ हमारा काम फिरने का नहीं और तकरीर का नहीं, बल्कि कुछ बुनियादें हैं जिसके लिए हम दुनिया में फिरते हैं। तो उसमें सबसे पहली बुनियाद निकलने वाले का बनना है, कि 3 दिन निकले तो 3 दिन में कुछ ना कुछ ये बनकर आए। तो बनने के लिए क्या शर्त है? और मैं बनने के लिए दो शर्तें हैं, एक तो करना और एक बचना। बनने के लिए दो काम, करने के सारे काम करना, बचने की सारी चीजों से बचना। करने के काम ही नहीं किए 3 दिन में, भूख के अलावे खा के तो अंदर कुछ नहीं आएगा यार, सिर्फ काफी काली होगी, इतनी जमाते निकली, इतनी जमाते निकली, होना हमारा कुछ नहीं याद। इसलिए सबसे पहले आदमी बनना चाहिए। तो आदमी बनने के लिए करना और बचना है, जैसे दवाई होती है और परहेज होता है, वो चीजें होती है, दवाई खाओ और परहेज करो तो आदमी की शिफा आ जाएगी। तो बनने के लिए करना और बचना।
करने के जितने इंफरादी इज्तिमाही काम हैं, तीन दिन में पूरे होने चाहिए। तीन दिन का ताज्जुद, तीन दिन के रोज के पांच गश्त, कितने गश्त? पांच गश्त। मालूम है पांच गश्त कौन से? तालीमी गश्त, खुसूसी गश्त, उमूमी गश्त और उसूली गश्त और तश्कीली गश्त। ये पांच गश्त रोजाना, तीन दिन में पांच गश्त, एक एक घर पर एक एक फर्द पर मेहनत करें। रोजाना की सुबह शाम की तीन तस्बीह, रोजाना की एक बार कुरान पाक की तिलावत, रोजाना इंफिरादी दावत, रोजाना इंफिरादी तालीम, रोजाना का मशवरा, रोजाना के बयान, गर्ज ये कि सारे इंफिरादी इज्तिमाई अमाल तीन दिन के पूरे होने चाहिए। कोई अमल कम होगा तो उसका कच्चा पर नजर आएगा। खाने में सब है, सिर्फ मिर्ची कम है, कमी नजर आएगी नहीं। सिर्फ नमक कम है, बाकी सब पूरा है। बिरयानी अच्छी बनाई, सौला दिया, सिर्फ नमक कम है, कमी नजर आएगी। इस तरह अमल की कमी जिंदगी में नजर आएगी, इंफिरादी अमल की कमी भी नजर आएगी, इज्तिमाई अमल की कमी भी नजर आएगी। इसलिए दोनों जरूरी है, इंफिरादी अमल भी जरूरी है और इज्तिमाई अमल भी जरूरी है। इंफिरादी अमल से इस्तकामत जिंदगी में आएगी और इज्तिमाई अमल से आदमी बनेगा। बनने की क्या माना? बनने के माना दिल का रुख सही हो जाएगा और फिक्र सही हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा इज्तिमाई अमल की बरकत से। और इंफिरादी अमल से जिंदगी में इस्तकामत आएगी। इस्तकामत के माना है अल्लाह हर वक्त में याद रहेंगे, अल्लाह हर वक्त में याद रहेंगे, अल्लाह मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, मेरी नेकी पर नाम देने पर कादिर है, मेरी गलती पर पकड़ने पर कादिर है, उस अल्लाह को मैं नाराज नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह हर वक्त याद रहेगा कि इस्तकामत इंफिरादी अमल की बरकत से। इसलिए अमल पूरा होना चाहिए, बचने की चीजों से बचना, ये दूसरी चीज है। एयर कंडीशन कमरा है लेकिन खिड़की खुली हुई है, क्यों भाई? कमरा ठंडा होगा? कहा कि हवा तो आई लेकिन रुकी नहीं, अमल का नूर आया लेकिन बचने की चीजों से नहीं बचे, वो निकल गया। कहां गए थे? कहीं नहीं, क्या लाए? कुछ भी नहीं, जैसे गए थे ऐसे ही वापस आए, कोई तरक्की नहीं की थी। इसलिए कि करने के काम किए नहीं, बचने की चीजों से बचे। इसलिए बचने की चीजों से बचना, करने की चीजों से करने को करना। और बचने की चीजों में सबसे बड़ी बचने की चीज आज के जमाने में मोबाइल है। तीन दिन में मोबाइल को साथ में लेकर मत जाओ, और अगर लेकर जाना है तो इसको बंद करके उसके थैले में डाल दो, जब वापस आओ जब खोलो। इसलिए कि सबसे बड़ी लायानी आज के जमाने में जो है ना मोबाइल, उसने पूरे हमारे काम को बर्बाद कर रखा है। तीन दिन में आदमी ऐसा है जैसे घर में, कभी बीवी का फोन है, कभी बेटी का फोन है, कभी बेटे का फोन है, कभी बॉस का फोन है, कभी नौकर का फोन है, तो तभी क्या करेगा? बात समझ में आ रही? इसलिए सारी बचने की चीजों से बचते हुए तीन दिन लगा, ये पहली बुनियाद है। दूसरी बुनियाद, जिस तरह यहां अपने जमात को तकसीम करके हर घर हर पट पर मेहनत किया है, तीन दिन के जमाने में महल्ले को तकसीम करके मेहनत करो। 150 घर है और आपके पास में 12 आदमियों की जमात है, 6 आदमी मुतकल्लिम है, 6 आदमी नहीं है, दो दो आदमी की जोड़ी बना दिया तो 6 आदमी बन गए। 150 घरों को आपने 6 जमातों पर तकसीम कर दिया, एक जमात के हिस्से में कितने घर आए भाई? 25 घर। आप तीन दिन वहां रहने वाले हैं, एक दिन एक जमात के हिस्से में कितने घर आए? आप ही बताओ, सारे काम करते हुए एक जमात 8 घरों की मुलाकात कर सकती है कि नहीं? आसानी के साथ कर सकते, जहां मिले वहां जाकर करो। घर में मिले तो घर में जाओ, खेत में मिले तो खेत में जाओ, कैरम के अड्डे पर मिले तो वहां जाओ, शराब के अड्डे पर मिले तो वहां जाओ, जहां मुसलमान मिले वहां जाकर के उसको काम की बात करके समझा कर उसको अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार कर। तीन दिन में कम से कम एक आ तीन दिन की नतज जमात निकाल करके आना, तीन दिन में। ये दूसरा काम है कि हर घर हर फर्द पर मेहनत करके तीन दिन की नतज जमात निकाल कर आना, ये दूसरा काम। तीसरा काम तीन दिन में है कि जिस मस्जिद में आप गए वहां मस्जिदवार जमात नहीं है, तो मस्जिदवार जमात नहीं है तो बनाने का क्या रास्ता?
आखिरी दिन तकलीफ करेंगे तो बन जाएगी, नहीं बने। उसके बनाने का रास्ता ये है कि उस मकामी लोगों को अपने साथ इतना मानूस करो कि वो अपने काम में पूरा करके भाग कर आपके पास आ जाए, ज्यादा वक्त आपके साथ लगा लेता और आपके साथ रहकर सारे काम को सीखे। रोजाना आप मशवरा करेंगे तो मकामी लोगों को मशवरे में शरीक करो, रोजाना आप तो तालीम करेंगे तो तालीम सामने आएगी, तालीम की किताबें उनके सामने आएगी। रोजाना आप पांच गश्त करोगे तो आपके साथ रहेंगे तो गश्त उनके सामने आएंगे, तो वे आएंगे नहीं आएंगे। जमात निकालने की आप मेहनत करेंगे तो जमात निकालने की मेहनत उनके सामने आएगी। यही पांच काम है, पांच काम कौन सी नहीं पाया काम, यही पांच काम जो रोजाना आप करते हैं वही पांच काम है। तो उन लोगों को उन अमल में शरीक करना और आखिरी दिन में उनको काम का नफा सामने आएगा। जमात आई थी तो मस्जिद में 25 नमाजी थी और 3 दिन की मेहनत से 50 नमाजी बन गए। जमात की सही मेहनत से सबसे पहले नमाजी बढ़ते हैं, इनको काम का नफा सामने आएगा। तो इनको नफा सामने आएगा तो उनकी तबीयतें काम के लिए आमादा हो जाएगी। आप इनसे पूछो कि भाई जो काम आपने हमारे साथ रह करके सीखा है कि भाई अपनी मस्जिद में होना चाहिए, कहीं यहाँ जरूर होना चाहिए, बहुत नफा है उसका। तो उसके लिए आप लोग तैयार है, काम तैयार है, 10-12 आदमी तैयार हो गए, आप इनके मशवरे का वक्त तय कर लो, तालीम का वक्त तय कर लो, आप इनकी गश्तों का वक्त तय कर लो, मुलाकातों का हफ्तावारी गश्त का वक्त तय कर लो, 3 दिन के निकलने के लिए हफ्ता तय कर लो। तो ये मस्जिदवार जमात आपने बना दी, आपने बीट डाल दिया, अल्लाह इसको करे। हो सकता है कल से ये काम शुरू करे, हो सकता है 50 साल के बाद काम करे, जिस दिन काम शुरू करेंगे उसमें आपका हिस्सा होगा। इसने कहा वहां बीट डाल कर क्या है, अल्लाह उसको जाहिर नहीं करे। तो हर जगह मस्जिदवार इस तरीके से जमात बनाना, बनी हुई जमात है तो इसको काम पर उठाना। अच्छी तरह मस्जिद को देखो कि मस्जिदवार जमात नाम की है कि काम की है। इसलिए कि अक्सर मस्जिदवार जमाते नाम की है, काम की बहुत थोड़ी है। और उसका नुकसान यह है कि 90% वक्त लगाया हुआ अमला काम से बैठा हुआ है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, 90% खास करके इन हालात में, वरना 80% अमला पूरी दुनिया में वक्त लगाया हुआ बैठा हुआ है। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ मस्जिदवार जमात की कमजोरी है। इसलिए कि उस मनबे को शहर का मरकज नहीं संभाल सकता और मुल्क का मरकज नहीं संभाल सकता इस अमले को, इस अमले को सिर्फ मस्जिदवार जमात संभाल सकती है। बस समझ आ रही मेरी क्या कह रहा हूं मैं, यह अमला मस्जिद के तलाक में ही जो बैठा हुआ है उसको सिर्फ मस्जिदवार जमात संभाल सकती है, उसको शहर का मरकज नहीं संभाल सकता है और उसको मुल्क का मरकज नहीं संभाल सकता है, इसको सिर्फ मस्जिदवार जमात संभाल सकती है। मस्जिदवार जमात को यह देखना कि ये काम की है कि ना की है, तो देखो कि क्या कमजोरी है इस जमात में। 2.5 घंटे की कमजोरी है तो अमली तौर पर अपने साथ रखकर 2.5 घंटा समझो। आपने देखा 4 महीने हो गए यहां से जमात ही नहीं निकली 3 दिन की, तो उनको अपने साथ में लेकर के जमात निकालकर काम को धक्का लगा कर क्या हो? जब आप धक्का लगाओगे तो बाद में साइकिल को धक्का मारते वो चलती रहती है, 2-3 महीने चलेगा, फिर कोई जमात जाएगी फिर धक्का लगाएगी, इस तरह से वो बाद में सेल्फ गाड़ी हो जाएगी धक्का लगाते लगाते। इस तरह जिस चीज में कमजोरी है उसको दूर कर दो। आप अच्छी तरह उस महले में देखो कि वक्त लगाए हुए लोग कितने हैं और हरकत में कितनी है, मुश्किल से 10% की हरकत में नहीं। तो जो बैठा हुआ हमला है उस पर मेहनत करो, जब एक एक हर फर्द की मेहनत करोगे तो उसमें बैठा हुआ हमला भी आपकी मेहनत में आ जाएगा। आदमी की जो नोयत है उसको सामने रखकर बात करना है, वक्त लगाया हुआ बैठा हुआ है उस नोयत की बात करो। आप कोशिश करो कि हर जमात के जरिए से 2-4-5 आदमी बैठे हुए काम पर लगना चाहिए। जब साल भर जमात एक मस्जिद में जाएगी, हर जमात 2-4 को खड़ा करेगी, क्योंकि भाई साल पूरा होते होते 10-12-15-25 आदमी काम पर लगेंगे कि नहीं। और साल भर जमाते गई एक आदमी भी काम पर खड़ा नहीं हुआ, आप बताओ क्या काम हुआ? साल भर जमात गई आपकी 3 दिन की एक मस्जिद में, एक आदमी भी बैठा हुआ काम पर खड़ा नहीं हुआ, एक जमात मरकज नहीं निकली, मस्जिद में जमात नहीं थी, बनी नहीं, बनी हुई थी उसको काम पर नहीं उठाई। तो आप बताओ 10 महीने हमारी जमात जो गई उस मस्जिद में, उस जमात ने जाकर क्या काम किया? कि भाई सोचने की बात है कि नहीं, सोचने की बात है नहीं? मैं क्यों कह रहा हूं, कोई काम नहीं हुआ 10 महीने। सवाब से इनकार नहीं है कि भाई आपको सवाब मिलेगा, ये सवाब का और बरकत का काम नहीं है,
कि सवाब मिलेगा और बरकत होगी, बल्कि उम्मत में एक मेहनत को जिंदा करने का काम है। बल्कि एक हमारे प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने बड़ी अजीब मिसाल दी और मुझे बहुत दिल को भाई, अल्लाह करे कि वो तरतीब ख़त्म हो जाए और सही तरतीब जिंदा हो। उसने कहा कि अगर इस वक्त में हमारी तबलीग का हाल ये है कि हमारे यहाँ मुंबई में दो बड़े स्टेशन हैं, एक विरार है एक चर्चगेट है, विरार से गाड़ी चलती है चर्चगेट चल जाती है। तो एक आदमी ने घर से निकला काम पर जाने के लिए और उसने विरार की टिकट लिया चर्चगेट पर, काम भी कर ट्रेन तो इसलिए थी उस पर बैठकर काम पर जाता नौकरी पर जाता, वहां तो गया नहीं। वो सुबह से शाम तक 10 मरतबा विरार से चर्चगेट चर्चगेट से विरार, शाम को घर पर आया भी वो कहा बहुत थक गया मैं, अरे बहुत काम था आज क्या कोई काम नहीं हुआ आज तो, मैं तो सिर्फ विरार चर्चगेट किया, क्योंकि बीवी शाबाशी देगी उसको, शाबाशी देगी, यही कहेगी इसके दिमाग में फुजूल आ गया है। ट्रेन तो किसी काम पर जाने के लिए थी, उसने पूरे ट्रेन में आने जाने को काम बना दिया, तो आज हमारा काम आना जाना ही रह गया, याद रखो माफ कर देना मुझे, हमारा काम आना जाना रह गया है। अल्लाह हम सबको माफ करवा दे और सही बुनियादों पर अल्लाह हमको खड़ा करे और अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत बनाने का अल्लाह इस काम को जरिया बनाए। इसके लिए मसीबा जमात वहां पर आप देखो जो लोग बैठे हुए हैं इनको आप काम पर खड़ा करो। आपने 10 मरतबा तीन लगाई, आपने 10 जमातें 3 दिन की निकाली, 100 आदमी नए आपके हाथ लगे 10 मरतबा 3 दिन लगाने में। आपने 10 मस्जिदवार जमातें बनाई या 10 मस्जिदवार जमातों को फाल बनाया तो आपके हाथों 10 मस्जिदवार जमातें बनी, 10 मस्जिदवार जमातें फाल बनाई, ये काम हुआ। अब ये लोग 100 आदमी 3 दिन लगाए, चिल्ला लगाएंगे, 4 महीना लगाएंगे, मुल्कों में जाएंगे, ये आपके हाथों कमाई है। ऐसी चिल्ले में ऐसी चार महीने में वक्त ऐसा अच्छा लगा ना कि हमारे हाथों कुछ काम होना चाहिए, सिर्फ घूम फिर करके वापस नहीं आना चाहिए। इसके लिए ये तीसरी बुनियाद है। चौथी बुनियाद मेरे दोस्तों ये है कि दिन भर अपने आप को थका न करके अल्लाह के रास्ते में रात को अच्छा वक्त लेकर रात को खड़ा होना। मौलाना इलियास साहब का महफूज है, हमारे काम में मकसूद ताल है, हमारे काम में मकसूद ताल है। ताल अरबी में कहते हैं थकने को, कि फरमाए इतना थके आदमी कि अल्लाह को प्यारा जावे बस काम हो गया। बेटा दिन में थक करके शाम को घर पे आ जाता है, घर के हर छोटे बड़े को थकने वाले पर प्यार आता है, तो मेरे अल्लाह को कितना प्यार आएगा जब अल्लाह के दिन के लिए जीव पर हम थकेंगे। तो जब ये बुनियादें होंगी तो थकेंगे, वरना तो तबलीग में खाना सोना रह गया है। तबलीग में खाना और सोना, हमारे यहाँ शहर में से एक मरतबा एक आदमी की तश्कील हुई, वो 3 दिन लगा कर क्या है, फिर दूसरी मरतबा तश्कील हुई, फिर 3 दिन लगा कर क्या है, तीसरी मरतबा उसके पास गए तो उसने कहा मेरे पास आना नहीं आएगा, मैंने 2 मरतबा तुम्हारे साथ में 3 दिन लगाया, 3 दिन में सिवाय पिकनिक के और कुछ करते ही नहीं तुम, और मैं फालतू आदमी नहीं हूँ, मैं मशगूल आती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है पिकनिक के लिए, मैं तो काम का आती हूँ। इसमें मेरे दोस्तों अपने काम को इन बुनियादों पर लाना, और इन बुनियादों पर होंगे तो दिन भर सब गुजारने की फुर्सत नहीं होगी याद रखो, वरना तबलीग में जितनी फुर्सत है इतनी कहीं फुर्सत नहीं, तबलीग में जितनी फुर्सत इतनी कहीं फुर्सत। इसलिए इन बुनियादों को सामने रखकर करने के कामों में, बचने की चीजों से बचने में, जमात निकालने की मेहनत में, मकामी काम को बनाने में, बनी हुई जमात देते उसको उठाने में, बैठे हुए लोगों को काम पर खड़ा करने में दिन भर अपने आप को थकाना, और रात को अच्छा वक्त लेकर अल्लाह के सामने नमाज में खड़ा होना, बड़ी बड़ी सूरतें याद करना। पहले चिल्ले में 10 सूरतें याद किया था, 50 साल हो गए वही 10 सूरतें याद है, कोई सूरत आगे बढ़ेगी कना थी हमारे पास, तो माशाल्लाह 10 सूरतें याद है, बड़ा भी पढ़ा सकते, बल्कि बड़ी बड़ी सूरतें याद करें। हर मुसलमान के दिल में सूरह यासीन होनी चाहिए, सूरह यासीन याद करो, अलिफ लाम सीता याद करो, तबारकल्लज़ी याद करो, बड़ी बड़ी सूरतें याद करके फजर में खड़े होकर अच्छी नमाज पढ़ो, लंबा क़याम करें, लंबा रुकू सीधा करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा क़याम करते थे कि आपके पैरों में वर्म आ जाता, दिन में इतना थकते थे रात को इतना थकते थे, ये काम ही
नबियों वाला काम तो नबियों वाले मिजाज से नबियों वाले नहज पर ही हो सकता है, अपने मिजाज से कभी नहीं हो सकता। अपने मिजाज से करेंगे तो काम को बर्बाद करके हम छोड़ देंगे, और नबी के मिजाज से करेंगे तो खुद भी बनेंगे और आलम को बना देंगे। मिसालों देने का वक्त नहीं है। बहरहाल जो है, इसके लिए रात को अच्छा वक्त लेकर अच्छी नमाज पढ़ना, सुहाना वक्त होता है, अल्लाह होते और बंदा होता है, कोई कूपा नहीं, कोई छूसा नहीं, अल्लाह और बंदे। और अब इस वक्त में अच्छी नमाज पढ़कर फिर अल्लाह से कहें। जब दिन भर मेहनत की होगी तो अल्लाह को कुछ कहने को जी चाहेगा। जो दिन भर सोया है वो उसे क्या कहेगा ये बताओ? दिन भर थका होगा वो अल्लाह से कहेगा, और जो बात कहेंगे वो तीर निशाने पर लगेगा। रात की दुआएं अभी जो है वह मुस्तजाब नहीं होती, वो मुस्तजाब होती है। रात की दुआएं बहुत कबूल होती है। अल्लाह फरमाते हैं, कोई मांगने वाला है मुझसे मांगे मैं उसको दूं, कोई माफी मांगने वाला है उसको मैं माफ करूं, कोई रोजी तलब करने वाला है रोजी दूं। अल्लाह ऐलान करे उस वक्त में, अल्लाह कहे कि हम ताली पे आते हैं, अल्लाह हम आपसे ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, हिदायत चाहते हैं पूरी उम्मत इंसानियत की। जब अच्छी नमाज पढ़कर अल्लाह से कहेंगे तो हमारी दुआएं रद्द नहीं होगी, चाहे देर से कबूल हो लेकिन जरूर कबूल। इसलिए रात को अच्छा वक्त लेकर दुआओं में हर जाने वाली जमात को ये बातें अच्छी तरह समझाना। वापस आने के बाद हर जमात की अच्छी तरह कारगुजारी देना, ताकि हमारी जितनी नकल हरकत इस वक्त में है अगर वो सही हो जाए तो भी आलम में खैर लाने के लिए बहुत बड़ा काम कर देगा। सिर्फ जितनी है इतनी इस्तेदाद इतनी हो जाए तो इंसानियत के लिए हिदायत के दरवाजे खुल जाएंगे, इंसानियत जो इस्लाम में आ जाएगी। लेकिन अगर इतना भी अगर जमात हमारी सही कर दे तो उम्मत को समझने के लिए इतना नकल हरकत काफी है। इसलिए देख करो कि इंशाल्लाह ऐसा अच्छा वक्त 3 दिन लगाएंगे, क्यों भाई कौन कौन लगाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए, आसान फरमाए। जब मेहनत का ये सही रूप कायम होगा तो उसका क्या नफा होगा भाई? उसका नफा ये होगा कि हमारी जिंदगी में ये 6 सिफात अपनी हकीकत के साथ आ जाएंगे। इसलिए कि मेहनत मेहनत के लिए नहीं होती, मेहनत किसी मकसद के लिए होती है। मेहनत जो है वो मेहनत के लिए नहीं होती, खेती फलों के लिए होती है, तिजारत माल के लिए होती है, मुलाजिमत तनख्वाह के लिए होती है, पढ़ाई डिग्री के लिए होती है। ऐसा ही हमारी मेहनत दीनदार बनने के लिए और दुनिया में दीनदारी जिंदा करने के लिए। जब मेहनत सही होगी तो उसका पहला नफा यह होगा कि मेहनत करने वाले की जिंदगी में ये 6 सिफात अपनी हकीकत के साथ आ जाएंगे। 6 सिफात हकीकत के साथ आ जाएंगे तो क्या होगा? और मैं सबसे पहला नफा यह होगा कि पूरे दीन पर चलने की उसमें ताकत पैदा हो जाए। ये 6 सिफात का पहला नफा है कि पूरे दीन पर चलने की पूरी पूरी ताकत पैदा हो जाएगी। पूरा दीन हकीकत के साथ जिंदगी में 6 सिफात के रास्ते से आएगा। दूसरा नफा यह होगा कि 6 सिफात की रियायत के साथ जो अमल भी किया जाएगा वो अल्लाह के मकबूल हो जाएगा। कोई अमल मर्दूद नहीं हो सकता जो अमल 6 सिफात की रियायत के साथ किया जाएगा। तीसरा अमल यह होगा कि पूरी उम्मत एक हो जाएगी, उम्मत के सारे इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। जिसमें इख्तलाफात होने के बावजूद भी पूरी उम्मत एक जिस्म के मानिंद हो जाएगी, जिस तरह सहाबा पूरे जिस्म के मानिंद हो जाएगी। और जो उम्मत एक हो जाएगी तो अल्लाह की मदद की मुस्तहिक हो जाएगी। अल्लाह की मदद के साथ होने का रास्ता इज्तिमाइयत है। अल्लाह की मदद के साथ होने का रास्ता इज्तिमाइयत है। जब उम्मत एक और नेक हो जाएगी तो अल्लाह की मदद की मुस्तहिक हो जाएगी। जब अल्लाह की मदद आ जाएगी तो अल्लाह की मदद से उम्मत की नैया किनारे लग जाएगी, और इंसानियत की डूबती हुई नैया किनारे पर लगने का सामान बन जाएगा, और इंसानियत का सोया हुआ नसीब जाग जाएगा। इतना बड़ा काम उस वक्त में होगा जब इस मेहनत को सही तरीके से और पूरी तरीके से करने से हमारी जिंदगी में 6 सिफात अपनी हकीकत के साथ आएगी। मौलाना इलियास साहब का एक मलफूज सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूँ। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मुझे इस बात का खतरा है कि काम करने वाले काम न कर रहे हो और ये समझ रहे हो कि हम काम कर रहे हैं। फिर ये फरमाया कि मेरी निगाह में काम ये है कि अल्लाह ने जिसको इस मेहनत में लगाया है
उस आदमी का इन छह सिफात के हकीकत के साथ जिंदगी में लाना ये काम है, उसके अलावा कोई काम नहीं हमारी इसमें करना। इसलिए कि पूरी उम्मत में पूरा दीन हकीकत के साथ में आने का रास्ता ये छह सिफात है। छह सिफात के बगैर जिंदगी में दीन आ नहीं सकता, उम्मत एक नहीं हो सकती है, इख्तलाफात खत्म नहीं हो सकते हैं और मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। मसाइल के हल होने का एक ही रास्ता है कि सही मेहनत के रास्ते से उम्मत की जिंदगी में ये छह सिफात जिंदा होते हैं। पूरा दीन नहीं है लेकिन इतना ताकतवर है कि उम्मत उम्मत नहीं बन सकती है जब तक ये सिफात जिंदगी में न। इसके लिए तय करो कि इंशाल्लाह इस काम को सही तरीके से करना है और इंशाल्लाह पूरा करना है। जब इसके लिए सारा मजमा तैयार है इंशाल्लाह, उसके लिए जो तकाजे हो उसके लिए तैयार है। इंशाल्लाह अंदरून का तकाजा है तो अंदरून में फिरेंगे, बैरून का तकाजा है तो बैरून फिरेंगे, मकामी तकाजा है तो मकामी इलाका में काम करेंगे, बाहर का तकाजा है तो बाहर जाकर करेंगे, इंफरादी तकाजा है इंफरादी तकाजा पूरा करेंगे, इज्तिमाई तकाजा है इज्तिमाई तकाजा पूरा करेंगे, उमूमी दावत का तकाजा है उमूमी दावत देंगे, खुसूसी दावत का तकाजा है तो खुसूसी दावत देंगे, खुसूसियत के साथ इंफरादी दावत का खूब एहतमाम करेंगे। सिर्फ दावत के लिए गश का इंतजार मत करो कि गश के दिन दावत की बात करेंगे, आप तो रोजाना दावत की बात करो, अढ़ाई घंटे में भी करो, किसी से सौदा लेने के लिए गए मुसलमान ही तो उससे बात करो, किसी को सौदा बेचने के लिए गए तो उससे आप ईमान की आखिरत की बात करो, आप रिक्शा में बैठे हैं मुसलमान ड्राइवर है उससे बात करो, टैक्सी में मुसलमान ड्राइवर है उससे बात करो, आपका मजदूर मुसलमान है मौका बाहर निकाल करके उससे बात करो, आपका शेख मुसलमान है तो उसको मौका निकालकर इंफरादी दावत है। इंफरादी दावत से आदमी खूब तरक्की करेगा, उसकी धूम दावत की जो बनेगी वो इंफरादी दावत के जरिए से। इसलिए देख करो कि इंशाल्लाह खूब इंफरादी दावत में वक्त लगाए। कम से कम हमारे पड़ोस में तो कहते थे कि रोजाना एक आदमी 25 आदमियों को रोजाना दावत देना चाहिए। मैं आपसे कहूंगा कि 25 को दे सकते 25 को दो, 50 को दो, 5 को दो, लेकिन इंफरादी दावत को आपको कहूंगा कि इंफरादी दावत देंगे तो काम का धूम बनेगा, वरना तो रसम ही रसम रहेगा, हकीकत से बहुत दूर है। इंफरादी दावत में अपने आप को खूब चलाएंगे चलाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे लिए आसान फरमाए फरमा दे,
उम्मत की नैया को पाल लगा दे, ओला उम्मत की नैया कब्र में फंस चुकी है, ओला आप ही के निकाले निकल सकती है, ओला उम्मत की नैया को किनारे लगा दे, ओला उम्मत को गलत लोगों के नबे से निकाल दे, पूरी उम्मत गलत लोगों के नबे में फंस चुकी है, ओला इनके नर्मों से हार के निकाले निकल सकती है, ओला पूरी उम्मत को गलत लोगों के नबे से निकाल दे, उम्मत को संभालने वाले मुखलिसी और मुस्तफलिसी चप्पे चप्पे में पैदा फरमा दे, हर मस्जिद में, हर महल्ले में, हर शहर में, हर गांव में, हर मुल्क में और हर बड़े आजम में मुखलिसी की मौत की जमात को पैदा फरमा दे, जो उम्मत को संभाल ले, उम्मत से प्यार करे, उम्मत की गलतियों को माफ करे, उम्मत की तालीम और तरबियत का इंतजाम करे, अल्लाह ऐसे मुखलिसी दुनिया में पैदा फरमा दे और मुखलिसी में हमारे इस पूरे महीने का और क़यामत तक की आने वाली हमारी नस्लों का अल्लाह और मुखलिसी में शुमार फरमा दे, अल्लाह पूरी उम्मत में से शिर्क और बिदअत को खत्म फरमा, तौहीद और सुन्नत को जिंदा फरमा, मासियत के जज्बे को खत्म फरमा, कामिल नमाज को उम्मत में जिंदा फरमा, जहालत और गफलत को खत्म फरमा, इल्म की रोशनी में जीना नसीब फरमा, हर फर्द उम्मत को अपना खुसूसी ताल्लुक नसीब फरमा, अल्लाह उम्मत को एक और नेक बना दे, आपस के इंतशार और खलफशार को और टूट फूट को दुनिया से खत्म फरमा दे, पूरी उम्मत को एक और नेक बना दे, अल्लाह रिया से, शोहरत से, सुमा से, कोई पर खुशपसंदी के नापाक जज्बात से अल्लाह हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, अल्लाह इखलास और इलाहियत नसीब फरमा, औला आप पूछेंगे क्यों कहा था, क्यों किया था, क्यों कहे थे, औला अपनी रजा के लिए करने की तौफीक अता फरमा दे, औला अपनी रजा और आखिरत की नीयत से करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमारा शुमार मकबूलीन में फरमा दे, अल्लाह मर्दूदी मर्दूद होने से हमारी हिफाजत फरमा, अल्लाह मकबूलीन में हमारे हमारा शुमार फरमा, और मकबूलीन के लिए जिन सिफात की जरूरत है अल्लाह सिफात बिना इस्तेमाल हमारी जिंदगी में पैदा फरमा, अल्लाह पूरी उम्मत की जानी मानी सलाहियतों को दीन के परवान चढ़ने पर लगा दे, अल्लाह दुनिया भगते भगते और दुनिया बटोरते बटोरते और गुनाह करते करते मरने से औला तो हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, अल्लाह सुए खात्मा से, कब्र के आजाब से, क़यामत के दिन की रुसवाई से, मौज़े मौसम तक के दिए जाने से और जहन्नम के आजाब से अल्लाह हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की जान की, माल की, ईमान की, आबरू की, मसाजिद की, मदारिस की, मकातिब की, दावत के अजीम काम की और इनके शोबों को चलाने वाले ईमान वालों की और तमाम दीनी कामों की और पूरी उम्मत की हर शरीर की शरारत से, हर फितीन के फितने से, हर खलल अंदाज के खलल अंदाजी से अल्लाह भरपूर हिफाजत फरमा दे, अल्लाह जो इस्लाम के और मुसलमानों के और इंसानियत के खैरखा है अल्लाह उन्हें दीन दुनिया और रात दुनिया की तरक्की अता फरमा, और जो इस्लाम के और मुसलमानों के और इंसानियत के बदखा है अल्लाह अगर उनके नसीब में हिदायत है तो हिदायत देकर इस्लाम को कुव्वत अता फरमा और इंसानियत की भलाई का इंतजाम फरमा, अगर इनके नसीब में हिदायत नहीं है तो अल्लाह ऐसे इंसानों से जमीन को पार फरमा और बकिया अपने मखलूक के लिए रुस्त हिदायत के दरवाजों को कुशादा फरमा, अल्लाह इंसानों का ठाकरे मारता हुआ समझकर अपने अंजाम से बेखबर होकर जहन्नम की तरफ भागा जा रहा है मौला उसका रुख हिदायत की तरफ कर दीजिए, मौला अपनी तरफ कर दीजिए, मौला हिदायत की तरफ कर दीजिए, जन्नत की तरफ कर दीजिए, मौला आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बेबस इंसानियत का भला हो जाएगा, मौला आप ही के बनाए हुए हैं, मौला इंसानों पर रहम फरमा दीजिए और इंसानों का रुख हिदायत की तरफ कर दीजिए, ईमान की तरफ कर दीजिए, मौला दावत की मेहनत में आपने जिसको भी एक मरतबा लगा दिया अल्लाह कबूलियत के साथ मौत तक उसको लगाए रखे, और इसी मरतबे से मौला सिफाते दावत सिफाते कबूलियत पैदा फरमाकर आप काम रहने का इरादा फरमा लीजिए, मौला नया मजमा कहाँ से लाए, मौला नया तो मजमा भी बनना बंद हो गया, बहुत ही मर्द चंदा भी छोड़ दिए हैं, आप तो इस मजमे को भी कबूल फरमा लेंगे, पैदा फरमा दीजिए और जिसको आपने काम में लगाया है उसको मौत तक कुबूलियत के साथ लगाए रखिए, एक को भी महरूम न फरमा, बोला काम से महरूमी बहुत बड़ी महरूमी है, बोला उससे कोई बड़ी महरूमी हो नहीं सकती है, ऐ अल्लाह उम्मत में से हर एक फर्द को दावत के इस अजीम काम में लगा दे,
अल्लाह उन खुश नसीब इंसानों में हमें भला कि जिनके हाथों काम परवान चढ़े दुनिया की गोशे गोशे में जाए और सही शक्ल में जाए उन खुश नसीब इंसानों में हमारा शुमार फरमा। अल्लाह उन बदनसीब इंसानों में हमारा शुमार न फरमा कि जिनके हाथों काम जाय हो जाए और काम सही शक्ल में जाने के बजाय चंद रस्म या चीजें उम्मत तक पहुंचे। अल्लाह उन बदनसीब इंसानों में बनने से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की परेशानियों को दूर फरमा, बीमारों को शिफा नसीब फरमा, अपरोजीन के कर्जों के अदायगी गैब से शक्ल और सूरत पैदा फरमा, बेरोजगारों को हलाल रोजी फरमा अता फरमा, बेनिकाहे लड़के लड़कियों को साले जोड़ा अता फरमा, बे औलाद को नेक औलाद अता फरमा, जिनके औलाद ना फरमाने उनको फरमा बरदार बना दे, जो नाजायज मुकदमा में महफूज है या जेलों में महफूज है आफियत के साथ रहाई मुकद्दर फरमा दे। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमा, अल्लाह इसमें से एक को भी महरूम न फरमा। बदने ने बड़ी तरह के साथ बात को लिया है, अल्लाह नफ्स और शैतान के चक्कर से हमको निकाल दीजिए और अल्लाह अपनी ताईश शादी हाल फरमा कर अल्लाह कबूलियत के साथ हमसे काम ले लीजिए और हर दिन हमारे लिए तरक्की का दिन बना दीजिए, अपने पूर्व के बढ़ने का हिदायत के ज्यादा से ज्यादा मिलते रहने का अल्लाह इस काम को हमारे हक में जरिया बना दे। अल्लाह हुजूर साहब ने जो खैर मांगी है हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा, एक शुरू से बना चाहिए अल्लाह उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजल करम से कबूल फरमा, जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा लिखा मतलब रहे कि उनका हमारे पर हक है अल्लाह उनकी जायज हाजतों को पूरा फरमा और इनकी दुनिया भी अच्छी बना उनकी आखिरत भी अच्छी बना। अल्लाह उनके कयामत के आने वाली नस्लों को दीन के लिए और दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजल करम से कबूल फरमा। اللهم صل على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.